ड्रामे के स्टार्ट में हम एक ग्रैंड मदर को देखते हैं जो दो छोटे बच्चों को वन एज बॉय की स्टोरी सुना रही होती हैं। छोटी बच्ची ग्रैनी से कहती है कि वो उस वन एज बॉय को देखना चाहती है। ग्रैनी कहती हैं कि वन एज प्रिंसेस भी होती है जो शायद आसपास ही रहती है। बच्चे एक्साइटमेंट में वन एज प्रिंसेस को प्लांट्स में ढूंढने लगते हैं। छोटी लड़की प्रिंसेस को ढूंढते हुए लेक के पास आ जाती है और पानी में स्लिप हो जाती है। उसका जूता उतर के पानी में चला जाता है। बच्ची देखती है कि उसके शूज से एक छोटी सी लड़की निकल के उसे देख रही है और हाथ हिला रही है। तब उस छोटी लड़की का दोस्त भी आ जाता है और वो उसे वन एज प्रिंसेस दिखाने की कोशिश करती है। वो दोनों छोटे बच्चे एक पहाड़ी पे बैठे दिखाए गए हैं। वो दोनों एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहाँ वो छोटी लड़की अपने दोस्त को मिनामी कुन कह के बुलाती है और उसे रेनबो दिखाती है। वो बच्चे रेनबो देख के खुश हो रहे होते हैं कि सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम चियोमी होता है उसकी आंख खुलती है और यहाँ ये ड्रीम खत्म हो जाता है। वो बैठी सोचने लगती है कि उसे आज ये ड्रीम कैसे आ गया, लेकिन फिर वो सब भूल के अपना ऑनलाइन नॉवेल जिसका नाम ब्लू फेरी होता है कंप्यूटर पर टाइप करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेल लीड एक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिनामी कुन होता है। वो जॉगिंग करके अपने घर वापस आता है और अपनी कैंडो स्टिक निकाल के उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। चियोमी उसे विंडो से देखती है और सोचती है कि क्या वन एज प्रिंसेस भी सच में होती है, रेनबो का ब्यूटीफुल इल्यूजन क्या था और उसकी मिनामी कुन के साथ किए प्रॉमिस का क्या होगा। नेक्स्ट सीन में चियोमी अपने रूम से निकल के अपनी फैमिली को गुड मॉर्निंग विश करती है। आज उसका स्कूल में फर्स्ट डे होता है और वो 12th ग्रेड में पढ़ती है। उसकी छोटी बहन और फादर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मदर ब्रेकफास्ट बना रही थी। चियोमी वेजिटेबल जूस पी के तैयार होने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिनामी कुन को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है और चियोमी उसके घर के पास खड़ी उसे जाता हुआ देख रही होती है। तभी मिनामी कुन की मॉम घर से निकलती है ताकि वो मिनामी उनको उसका टिफिन दे सकें, लेकिन वो जा चुका होता है। वो चियोमी को मिनामी को उनका टिफिन पकड़ाती हैं ताकि वो उसे स्कूल जाकर दे दे। चियोमी उन्हें हाँ कह देती है। तभी मिनामी कुन को देखते हैं जिसे स्कूल जाते हुए याद आता है कि वो टिफिन घर भूल आया है और वो ये सोच के वापस घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ चियोमी भी स्कूल की तरफ भागती है और दोनों के आमने सामने आ जाने से उन दोनों की टक्कर हो जाती है। चियोमी मिनामी कुन के ऊपर गिर जाती है और उसे गलती से किस कर लेती है। वो घबरा के उठ के बैठ जाती है और मिनामी कुन को सॉरी बोल के उसका टिफिन पकड़ा के वहां से भाग जाती है। मिनामी कुन उसे जाता देखता है। चियोमी भागते हुए ये सोच रही होती है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। चियोमी स्कूल में बैठ के भी मिनामी कुन के साथ हुए इंसिडेंट का सोच रही होती है कि उसके दोस्त आ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। तभी उनकी क्लास में एक लड़की आती है जिसका नाम सयूरी होता है। वो बहुत खूबसूरत होती है इसलिए सब लड़के उससे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट सीन में उनकी क्लास टीचर मिनामी कुन को क्लास का प्रेसिडेंट बना देती हैं क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। क्लास टीचर अब फीमेल प्रेसिडेंट के लिए वोट्स काउंट कर रही होती हैं और फिर वो चियोमी को फीमेल प्रेसिडेंट बनने का कहती हैं, लेकिन वो मना कर रही होती है। तभी सयूरी कहती है कि वो क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहती है। टीचर को इस बात से एतराज होता है। सयूरी बहुत ही एटीट्यूड के साथ चियोमी से कहती है कि क्या तुम क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहती हो, लेकिन चियोमी मना कर देती है और यूं सयूरी फीमेल प्रेसिडेंट बन जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चियोमी को अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस करता देखते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी डांसर होती है और उसे डांस करना बहुत पसंद होता है। फिर हम देखते हैं कि चियोमी अपने फ्रेंड्स को एक पोस्टर दिखाती है जिसमें डांस शो की एडवर्टीजमेंट होती है और ये शो टोक्यो में होना होता है। चियोमी इस शो के लिए ऑडिशन देना चाहती थी। अगर वो ऑडिशन पास कर लेती है तो उसे स्कूल क्विट करके टोक्यो में रहना होगा। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन चियोमी सीरियस होती है। नेक्स्ट सीन में चियोमी अपने दोस्त रिकू के साथ घर जा रही होती है। रिकू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रोमांस में इंटरेस्ट है। चियोमी कहती है ऐसा नहीं है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे इन बातों पे बिलीव ही नहीं है। फिर उसका दोस्त पूछा है कि क्या तुमने किसी को कभी लाइक किया है। चियोमी कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तब किया था, लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ सब। फिर उसका दोस्त कहता है कि वो एक ऑनलाइन नॉवेल पढ़ रहा है जिसका नाम ब्लू फेरी है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। ये सुन के चियोमी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी उसका घर आ जाता है और वो उससे थैंक्स कह के घर जाने लगती है कि रिकू उसे रोक लेता है
और कहता है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है। शिओमी उससे पूछने लगती है तो रिकू उसे कहता है कि वो उसे कल बताएगा। तो वो उसे बाय कह के घर चली जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ मिनामी कुन विंडो पे खड़ा सुन रहा होता है उनकी बातें। शिओमी घर आके बहुत खुश होती है कि रिकू को उसका नॉवेल पसंद आया। वो किसी को भी नहीं बताती कि वो ऑनलाइन नॉवेल लिखा करती थी। नेक्स्ट डे स्कूल में शिओमी की क्लास टीचर उसे उसके ऑनलाइन आईडी नेम जो कि मून बनी होता है उससे बुलाती हैं। वो ये सुन के उन्हें कहती है कि प्लीज आप ये किसी को ना बताइएगा। शिओमी की टीचर उसे उसके ऑनलाइन नॉवेल के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट सीन में रिकू शिओमी को एक गिफ्ट देता है जिसे वो हैरानी से पकड़ते हुए कहती है कि आज उसका बर्थडे तो नहीं है। शिओमी गिफ्ट ओपन करती है और उसमें एक सॉफ्ट बनी टॉय निकलता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी होती है और उसपे मून बना होता है। वो उसे देख के खुश होती है और हैरान भी। रिकू उसे बताता है कि वो जानता है कि वही मून बनी है। फिर वो शिओमी को आई लव यू कह देता है। वो हैरानी से उसे देखती है। फिर रिकू उसे कहता है कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, वरना प्लीज तुम मुझे ही चूज करना। नेक्स्ट सीन में शिओमी घर जा रही होती है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी अम्ब्रेला बैग से निकाल के खोल लेती है। तभी वो सयूरी और मिनामी कुन को इकट्ठे आता देखती है। मिनामी कुन अपनी अम्ब्रेला सयूरी के साथ शेयर करता है। शिओमी उन्हें अपने पास से गुजरता हुआ देख रही होती है। तभी सयूरी उसे जेलिस करने के लिए मिनामी कुन को किस करती है जिससे वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाती है और वहां से भाग जाती है। भाग के वो सीधा अपने घर आती है और रोने लगती है और खुद से सवाल करती है कि वो आखिर क्यों रो रही है। फिर उसे पता चल जाता है कि वो मिनामी कुन को पसंद करती है और यही सोच के उसे और ज्यादा रोना आने लगता है। नेक्स्ट सीन में शिओमी अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो टोक्यो जाना चाहती है डांस ऑडिशन के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते। वो चाहते थे कि शिओमी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे, जबकि शिओमी एग्जाम देने तो क्या, वो तो स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी। और इसी बहस में शिओमी के फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और वो घर से बाहर चली जाती है। अगले सीन में रात के वक्त बाहर का मौसम खराब दिखाया जाता है। शिओमी स्ट्रीट से गुजर रही होती है तो उसे मिनामी कुन दिखाई देता है। वो उसे इग्नोर करके गुजरने लगता है। तभी शिओमी उसे रोकती है और इग्नोर करने की वजह पूछती है। मिनामी कुन उससे रूडली बात करता है। वो उसे कहती है कि पहले हम कितने क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। मिनामी कुन उससे और भी रूडली बात करता है कि वो अब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। शिओमी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। मिनामी कुन उसे ज्यादा देखता है, शायद वो भी शिओमी से रूडली बात करके अच्छा फील नहीं कर रहा होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और तेज बारिश हो रही थी। शिओमी अम्ब्रेला लिए स्ट्रीट से गुजर रही होती है कि तेज हवा से अम्ब्रेला उसके हाथ से छूट जाता है। वो अम्ब्रेला को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो तेज हवा से उड़ता ही चला जा रहा था। वो अम्ब्रेला को पकड़ते हुए उस पहाड़ी पे पहुंच जाती है जहाँ मिनामी को उसने बचपन में एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिओमी की फैमिली उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और उसके फादर पुलिस ऑफिसर के साथ उसे ढूंढने निकलते हैं। शिओमी को हम उस छोटी पहाड़ी पे देखते हैं और वो तेज बारिश की वजह से वहीं रुकी होती है। उसका सेलफोन पानी में गिरने की वजह से खराब हो जाता है। फिर हम मिनामी गुन को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा शिओमी और अपनी बचपन की पिक्चर्स देख रहा होता है और दूसरी तरफ शिओमी उसी छोटी पहाड़ी पे परेशान बैठी होती है। वो मिनामी गुन के बारे में सोच रही थी कि बचपन में उसके फादर उसे छोड़ के चले जाते हैं, तभी से वो रिजर्व रहने लग गया था और उससे दूर हो गया था। शिओमी को ये सोच के रोना आ रहा होता है कि मिनामी गुन उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता जबकि वो उसे पसंद करने लग गई है। वो रोते रोते दुआ मांगती है कि वो फिर से मिनामी गुन के साथ खुश रहना चाहती है और फिर से अपने बचपन में वापस जाना चाहती है। फिर वो रोते हुए मिनामी गुन को आवाज लगाती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब शिओमी की आंख खुलती है तो वो खुद को बहुत छोटे साइज का पाती है। वो हैरान होकर खुद से पूछती है कि ये क्या हो गया, क्या वो वन इंच प्रिंसेस बन गई है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।